बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम देखने और सुनने वाले ठीक ठाक होंगे। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह, सऊदी अरेबिया में दाखिल हुए हुए आज छठा रोज़ है और आज का सफ़र भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें घंटा होने वाला है, हम लोगों ने शुरू कर दिया हुआ है। और रात को भी हमने टेंट में स्टे किया था। अभी भी जो यहाँ से पहली आबादी है वो तकरीबन 100 और 100 के राउंड अबाउट जो है अभी वो रहती है। और यहाँ से जो पेट्रोल पंप है, आज उम्मीद है कि उस पेट्रोल पंप तक हम शाम या अंधेरा होने तक पहुँच जाएंगे। और ये आप देख रहे हैं जी, दोनों तरफ सहरा। आपको पता है कि जब से सऊदी अरेबिया में दाखिल हुए हैं तो दोनों तरफ सहरा है। और ये उस तरफ वो जो ड्रम आप देख रहे हैं दूसरी तरफ, तो वो उस तरफ जो है वो रोड पर काम भी हो रहा है। तो इंशाल्लाह जी, पिछले दिनों की तरह आज भी हमारी कोशिश रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र करने की। और आज मौसम की अपडेट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, यानी कि धूप नहीं निकली हुई और हवा भी बहुत तेज़ नहीं है, उतनी ही चल रही है जितनी कि हमें ज़रूरत है। सफ़र आगे बढ़ा। لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك।
अभी आधा घंटा हुआ है, धूप निकली है और अचानक से तेज धूप निकल आई है और इस वक्त काफी गर्मी महसूस हो रही है। और पाकिस्तान में 4:08 और सऊदी अरेबिया में 2:08 हो रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वक्त तक तकरीबन कोई जो है वो 25 किलोमीटर के करीब करीब सफ़र जो है वो कर चुके हुए हैं। उसकी वजह मैंने आपको बताई है क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है, अब ना भी आप लोगों को बताऊं तो आप लोगों को मालूम है कि दोनों तरफ वीराना है। वीराना है तो यहाँ पर बैठने के लिए कोई छाँव वाली जगह नहीं आती, जिसकी वजह से हम कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। हम सिर्फ वही बैठते हैं थोड़ी देर जो कि हमारा कोई पाकिस्तानी भाई कोई ट्रक वाला जो रुक जाते हैं मोहब्बत में और फिर उनके साथ कोई 5-10-15 हम बैठ जाते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे तो बैठने के लिए कोई जगह नहीं होती, कोई शेड वगैरह नहीं बना हुआ और जैसे अभी भी गर्मी है तो गर्मी में यहाँ नहीं बैठा जाता। तो ये है कि फिर हम मुसलसल चलते रहते हैं और मुसलसल चलने से जो है वो सफ़र भी मुकम्मल होता रहता है। ओके जी, तो यहाँ कुछ मामला इस तरह से है। तवीला कोई जगह है जी 40 किलोमीटर, हरद 103 किलोमीटर, रियाज जो है जी 354 किलोमीटर और मक्का 344 किलोमीटर रह गया है। इंशाल्लाह जी जहाँ पीछे इतना सफ़र काट आए हैं वहाँ ये भी दिन गुजर जाने हैं और इंशाल्लाह एक दिन मक्कातुल मुकर्रमा। हो चुका है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र जारी है। और वो सामने, ये सामने आपको लाइट्स नज़र आ रही हैं, हो सकता है ये आपको लग रहा हो कि ये करीब हैं लेकिन ये लाइट्स जो आपको नज़र आ रही हैं यहाँ पे है एक पेट्रोल पंप। और आज जो हमने स्टे करना है जी वो करना है यहाँ पे हमने पेट्रोल पंप पर। वो पेट्रोल पंप अभी यहाँ से कुछ किलोमीटर्स है तो हम उसकी तरफ जा रहे हैं और वहाँ जाके देखेंगे। अगर तो वहाँ पे मस्जिद हुई फिर तो कोशिश करेंगे कि मस्जिद में ही स्टे कर लें, टेंट ना लगाना पड़े। और अगर तो मस्जिद ना हुई तो फिर टेंट तो है ही हमारे पास, बढ़ते हैं आगे और वहाँ पहुँच के देखते हैं कि वहाँ सूरत हाल जो है वो क्या है। हम पेट्रोल पंप के नज़दीक पहुँचने वाले हैं कुछ देर में और बादल अगर आपको दिखाऊँ तो बादलों को देख कर तो यही महसूस होता है कि आज बरसेंगे और बहुत बरसेंगे। और अभी बिजली ने भी जो है ना वो 2 दफ़ा फ्लैश जो है वो ऑन ऑफ किया है अपना, यानी कि 2 दफ़ा बिजली चमकी है। लेकिन सफ़र हमारा जारी है जी। आज दिन में कोई 25-30 सेकंड के लिए रिमझिम हुई थी लेकिन उसके बाद रुक गई थी। तो बहरहाल जी
अल्हम्दुलिल्लाह हम थोड़ी देर में जो है सामने लाइट्स आपको नजर आ रही हैं पेट्रोल पंप पे पहुंचने वाले हैं जी। तो पेट्रोल पंप पर हम आगे हुए थे और आकर सबसे पहले हमने खाना खाया है। सामने पेट्रोल पंप है और ये बिल्कुल सामने है बकाला यानी कि सुपर मार्केट, और उसके साथ ये है जी मस्जिद, ठीक है जी। और आज हमने टेंट नहीं लगाना, हमने सोना है मस्जिद में। उसके अलावा यहाँ पे ये होटल है जी बिस्मिल्ला पाकिस्तानी होटल, ठीक है जी। ये सामने अंकल खड़े हैं, इनका नाम नाजिम है, ये यहाँ इस होटल को ऑन करते हैं। और वैसे तो इसका नाम भी बिस्मिल्ला पाकिस्तानी होटल है, लेकिन वो ट्रक ड्राइवर दोस्त कुछ मिले थे, वो कह रहे थे कि अंकल जो हैं ये जो सामने आ रहे हैं ये हर बात पे जो है वो बिस्मिल्ला कहते हैं, इसलिए जो ट्रक ड्राइवर हैं उन्होंने इस होटल का नाम ही जो है वो बिस्मिल्ला होटल डाला हुआ है। तो हमें पीछे कह रहे थे कि आगे पेट्रोल पंप पे जो है वो बिस्मिल्ला होटल आएगा। तो इंशाल्लाह जी आज का स्टे यहाँ भी है, सुबह आप लोगों से मुलाकात होगी, अल्लाह निगेबान।